हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार ये जो वीडियो आज का आ रहा है, मोस्ट डिमांडेड वीडियो है मेरे चैनल का। लाइक यार आप एमिटी में पढ़ते हो तो एमिटी का ब्लॉग बनाओ, एमिटी का ओवरव्यू बनाओ और पटना एमिटी का लाइक कैंपस टूर कराओ। तो भाई मैंने भी सोचा कि जब रिक्वेस्ट इतनी आ रही है तो वीडियो एक बना ही दिया जाए और लोग मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि इस जगह का ब्लॉग आए। तो शुरू करते हैं आज इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको पटना एमिटी यूनिवर्सिटी कैसा है और कराते हैं आपको कैंपस टूर। तो यार अभी खड़े हैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, जो कि आपको दिख रहा होगा टोटल उल्टा दिख रहा है। रीजन है वही मिरर फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको साइंस सेंटर के व्लॉग में, कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी टेक्स्ट उल्टा हो जाता है। तो अब चलते हैं कैंपस के अंदर, देखते हैं कैंपस। मैंने तो ऑलरेडी देख रखा है, आपको दिखाते हैं और बताइएगा कि वीडियो यार कैसा लगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे होगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं से वीडियो को और दिखाते हैं आपको एमिटी यूनिवर्सिटी पटना का कैंपस। और यार अभी आपको दिखाते हैं ना एमिटी का वो जगह जहां लगती है हमारी सारी गाड़ियां, लाइक एमिटी की पार्किंग कितनी है वो भी दिखाते हैं आपको। तो यार मैं जिसकी बात कर रहा था कि दिखाते हैं आपको पार्किंग एरिया, तो यही है पार्किंग एरिया। लगी हुई है गाड़ियाँ, एक लाइन से लगी हुई है यार, तो अच्छी खासी लग जाती है। और लाइक कैंपस, बहुत लोग कहते हैं लाइक ऐसा र्यूमर है कि कैंपस छोटा है, तो अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ कि कैंपस छोटा है। कभी एक टाइम था जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रोड पर से उठाकर पूरे भारत का सम्राट बना दिया था। तो ये वही जगह है जहाँ बहुत ही लाइक स्टार्टिंग लेवल से लोग आते हैं और किस किस जगह पे पहुंच जाते हैं, तो वो अपने लेवल के सम्राट ही बनते हैं। तो भाई कैंपस बेशक छोटा हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है वो मैटर करता है। तो यहाँ वो मिलता है और जिसकी की गवाही मैं दे रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। शुरू करते हैं और दिखाते हैं, लाइक शुरू तो कर ही रखा है हमने वीडियो को, दिखाते हैं इसके आगे। कैंपस टूर का पहला पार्ट ये था कि मैंने आपको बेसमेंट दिखाया जहाँ पे लगती है हमारी गाड़ियाँ, मेरा भी स्कूटी यहीं पर लग रखा है। अब चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं कैंपस का क्लास अपना, उसके बाद लैब दिखाते हैं, कैंटीन दिखाते हैं और बहुत कुछ है यार दिखाने को, तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और यार ये है वो जगह जहाँ हमने अपने जिंदगी के 3 साल दिए हैं, बहुमूल्य 3 साल दिए हैं, लाइक जो क्लासरूम का बीरोल आपने देखा अभी। तो रीजन होता है हर किसी का कॉलेज आने का, एक तो पढ़ाई, नॉलेज गेन करना, एजुकेशन लेना, दूसरा होता है भाई उसके लिए 75% अटेंडेंस होता है। बट हमारी कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारा परसेंट जो है अटेंडेंस का वो 100% है। वो रीजन है ये लोग, 3 लोग जो बैठे हुए हैं। तो भाई आपका क्या सीन है कॉलेज का, आप ये भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट में। बट अब चूंकि हम एमिटी का ब्लॉग कर रहे हैं तो अभी दिखाते हैं एमिटी के कुछ अलग अलग प्लेसेस, लाइक कैंटीन और एक बहुत ही अच्छा जगह जो एमिटी का हैंगआउट प्लेस कहा जाता है, वो भी दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में। कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। और यार ये है हमारा लैब, कंप्यूटर लैब जिसको कह सकते हो आप, देख सकते हो सामने। तो यार मैं जिस बात कर रहा था एमिटी में कि वो एक हैंगआउट का प्लेस है, तो वो है हमारा ये चबूतरा जहां हम बैठा करते हैं। लाइक फ्री टाइम होता है, क्लासेस के बीच का लेजर टाइम,
या फिर कोई दो क्लास के बीच में गैप आ गया तो वो यहाँ बैठते हैं। यार बहुत बहुत मेमोरीज हैं इस जगह से। तो यार ये था हमारा आज का लाइक पटना में जो एमिटी यूनिवर्सिटी और जहाँ मैं पढ़ता हूँ उसका एक छोटा सा कैंपस टूर और एक छोटा सा व्लॉग। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।